पहले मिलाता हूँ मैं ऑडियो टोन के तरफ से, जो पहले भी आज से मिला चुका हूँ, काफी भले इंसान है नवनीत जी। आज हमें सारी चीजों की जानकारी देंगे ए टू जेड, बहुत मजा आने वाला है, नई नई चीजें आई हुई है। नवनीत भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते सर। नमस्ते आपके सभी व्यूअर्स को। ऑडियो टोन के बारे में सबने सुना तो है, लेकिन कुछ बहुत बातें जो है सीधे ब्रांड से पता चलती है, तो थोड़ा सा कुछ 89,000 तो अभी क्या आपको ऑलरेडी ऑडियो टोन के बारे में सब लोग जानते ही है, कितने साल पुरानी कंपनी है, क्या है। अभी हमारी डिज़ाइन, अभी हमने डेवलपमेंट, दो नई डिज़ाइन टीम भी डेवलपमेंट करी है जो यूरोपियन बेस है, अलग अलग कंट्री से। एक हमने अभी नई इंडिया के हिसाब से पूरी एक नई सीरीज बनाई है, शायद आपने वीडियो देखा भी होगा सोशल मीडिया पर, एटॉमिक सीरीज। अभी ये ट्रेंडिंग में है, हमने एटॉमिक के बारे में बताओ। एटॉमिक सीरीज में हमने थोड़ा सा, इंडिया में क्या है, थोड़ा टाइट पंच मांगते हैं, पूरे वर्ल्ड का थोड़ा साउंड अलग है, इंडिया का साउंड पूरा अलग है। 5 इंच वॉइस कॉल में ऐसा सुना है कि वाइब्रेशन कुछ भी कर लो वाइब्रेशन की तरफ चला ही जाता है। हाँ नहीं, क्या एटॉमिक सीरीज में हमने वो चेंज कराया, हमने एटॉमिक सीरीज को डिजाइनी टाइटनेस के हिसाब से, हमने एटॉमिक सीरीज में 18 इंच में भी टाइटनेस डाला है और 15 इंच में हमने 1000 वाट में भी मिड रेंज निकाला है। 15 इंच की मैं स्पीकर आपको दिखाता हूँ जब उस साइड में जाएंगे। तो ये एटॉमिक सीरीज का जो हमने लॉन्च किया है, ये अगर रखे कि सबसे अपर मॉडल, सबसे एक्सक्लूसिव मॉडल, अपना जो फ्लैगशिप मॉडल है, क्या कहना उचित है ये? अभी नहीं, फ्लैगशिप का नहीं है, सबका टोन अलग अलग है। फ्लैगशिप का क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया है, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट साउंड, दे लाइक डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट साइड, सो सबका अलग अलग है। हमने जो कस्टमर क्लास बेस्ड, जो झारखंड बिहार बंगाल उस साइड का जो कस्टम है, वो थोड़ा सा टाइटनेस मांगता था, वो वाइब्रेशन तो हमारा ऑलरेडी पीडी स्पीकर वो चल रहा था, वोट फेवरेट था, उनको टाइटनेस के लिए और वोल्टेज के लिए हमने पूरा अलग डिजाइन करवाया पूरा स्पीकर। तो कहना यह है कि 4.5 इंच वॉइस कॉल में जो आपको पंच और थ्रो मिलता था, हाँ, वो 5 इंच वॉइस कॉल में वाइब्रेशन प्लस आप ये निकाल सकते हो। हाँ, वो टाइटनेस हमने दिया, वो तो स्पीकर में ड्यूअलिटी बोलते हैं, हाँ, वो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, सही है। अब हमने थोड़ा सा भैया 15 इंच का पर्पस हम उधर जाके देखते हैं। 15 इंच में भी हमारे पास सभी मॉडल नहीं आ चुके हैं, थोड़ा सा डिले हुआ था। 15 इंच में हमारे 12-25 ये मॉडल अभी है अपने पास, और ये आने में अपना 1000X, ये 1200 वोट है, 1000 वोट। और इसमें और कुछ मॉडल्स आने की उम्मीद है? हाँ, अभी और 12 इंची में आएंगे मॉडल, 15 इंची में भी 3 मॉडल आने वाले हैं। कौन से, कितने वाट्स हम उम्मीद रख सकते हैं? 800 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, मतलब उससे कम नहीं आएगा? नहीं, एक 600 वाट का बात चल रही है, बट थोड़ा रेट के नेगोशिएशन चल रहा है, वो भी शायद हम कर लेंगे जी। ये तो हो गई चलिए स्पीकर की बातें। अब एम्पलीफायर में हमने पिछले साल वर्क किया है, रेडलाइन सीरीज लाया, 9900 लाया, उसके बाद जो भी हमने एम्पलीफायर लाया उसके बारे में हमने कभी बात नहीं की, आज चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फिर भी पिछली बार आपके व्यूअर्स ने देखा हो नहीं देखा, फिर भी एक बार दिखा देते वापस, सारे सीरीज के बारे में बात नहीं की। ये ऑलरेडी रेडलाइन तो ऑलरेडी अपना है, रेडलाइन में सभी मॉडल 801, 3800, 4X, 5700, 7800 सभी मॉडल अपने ऑलरेडी है, और इंडिया में हम एक साल से चला रहे हैं, हमारे पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, रिकॉर्ड है हमारा। हमारे चैनल में इसे और इसे धूम मचाते हुए तो देखा जरूर है, जिसने अगर देखा है कमेंट पास कर दो इसका रिस्पांस कैसा है इन दोनों मॉडल का, और काफी तगड़ा रिस्पांस है। दूसरी बात, हमने इसके अंदर कंपोनेंट जो डाले हैं पूरे इंडिया में अवेलेबल वाले DIP कंपोनेंट, कोई भी जो स्टेंजर आउजा रिपेयर कर सकता है वो आदमी इसको रिपेयर कर सकता है, कोई भी पार्ट्स हमने छुपाए नहीं इसके अंदर। और कहना तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडियन कन्वेंशंस को देखते हुए, हाँ, अगर आप कोई भी सीरीज डालते हो किसी इंडियन कस्टमर को डालते हो, तो सबसे पहले कौन सा एम्पलीफायर आप रिकमेंड करोगे इंडियन कन्वेंशंस को देखते हुए? इंडियन कंडीशन के हिसाब से हम तो रेडलाइन सीरीज का 4600 ज्यादा रफ एंड टफ है, टू ओम स्टेबल है, और जनरेटर के ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज पे भी ये एम्पलीफायर चलता है आराम से। आपका जो अपना जो देसी जनरेटर होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज में 2-3 वोल्ट कंटिन्यू फ्लक्चुएशन रहता है, वो भी चला लेता है आराम से, तो सब जानते हैं। आपने पिछले साल हमने एग्जीबिशन में लॉन्च करा था, उसके बाद अभी मार्केट में धूम मचा रहा है,
अपना एक्सट्रीम बास एम्पलीफायर 9900, उसके बाद हमने एक 9100 लाए थे जो एच क्लास के जो फैन थे उसको थोड़ा सब हार्मोनिक फील ज्यादा मिले, ये थोड़ा ड्राई बजता है, लोग ऐसा बोलते हैं कि डी क्लास जो है थोड़ा सा ड्राइनेस देता है, तो उसके लिए सब हार्मोनिक हमने इसमें डाला था। इसके अंदर डीएसपी हमने डाला था, क्रॉसओवर इनबिल्ट डाला था, थोड़ा सा अपग्रेड करा था। क्रॉसओवर का इफेक्ट भी मैंने दिखा रखा है आपको, काफी तगड़ा इसका क्रॉसओवर का इफेक्ट है। इसमें हम कौन से वॉइस कॉल ज्यादा प्रिफर करते हैं? हम ज्यादा 4.5 और 4 ही करते हैं, क्योंकि कंपनी जो डिजाइन करती है उसके हिसाब से, वो वोल्टेज के हिसाब से बोलता है, कोइल के हिसाब से नहीं करता है, हम वोल्टेज के हिसाब से। हम मैं कस्टमर को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी एम्पलीफायर लो तो आपका 10 मीटर वायर होगा आपका, सॉरी 10 फीट वायर, आपका 10 फीट वायर होगा तो 4% पावर आपको प्लस चाहिए आपके स्पीकर से। आपका 20 फीट वायर है तो आपको 8% पावर ज्यादा चाहिए स्पीकर से, हम ऐसे रिकमेंड करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वायर्स जो होता है ना, वायर्स का मींस बोलता है पावर लॉसेस 4% होता है 10 फीट पे, 2.5 mm का वायर होगा तो, 1.5 mm का होगा तो 12% होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और उसके बाद अपना ये 1800 शायद आ गया था, इसके बाद 1800 MT सीरीज, ये एक और नया सीरीज है, ये वाली। हाँ मैं बता देता हूँ, अपना 1602 था उसको ही अपग्रेड करा, वो कोई नहीं, खाली उसको पावर थोड़ा सा स्लाइड बढ़ा के हमने 1802 करा, मतलब 5 इंच वॉइस कॉइल में अगर पावर और ज्यादा चाहिए, 5 इंच वॉइस कॉइल के लिए चल जाएगा, इस पे जाना है। उसके बाद हमने जो 1602 था उसमें थोड़ा सा हार्मोनिक ऐड करके XT8000 बनाया। तो इन दोनों में फर्क क्या दिखेगा हम इन दोनों में? ये सेगमेंट है ना, लोगों को थोड़ा अलग टोन चाहिए था, पावर वही है, सर्किट वही है, सब कुछ है, खाली टोन का चेंजेस है, मतलब बेस में कुछ मीठापन, कुछ स्लाइड। हाँ, स्लाइड क्या स्टेट के हिसाब से, गुजरात में लोग है ना 1602 तो खरीदते ही थे, बट एक दूसरी कंपनी का कोई दूसरी का भी फोन जो टोन चाहिए था उनको लिए हमने XT8000 बनाया। थोड़ा लुक अलग करा था क्योंकि थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे थे नया लुक बनाने का। उसके बाद अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सबसे हेवी एम्पलीफायर का। हाँ चलिए, दादा ये कब लॉन्च हुआ? ये आज ही के दिन लॉन्च हुआ है। आज इसका फर्स्ट डे, आज ही के दिन लॉन्च हुआ है, आपके लिए लाए है, इसके बारे में। ये अपना जेड सीरीज का एडी 12000 एम्पलीफायर है, ये वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट क्लास बीडी मॉड्यूलेशन पे बना हुआ एम्पलीफायर है। अब तक ऑडियो लाइन में मॉड्यूलेशन को ऑलरेडी यूज होता था, रेडियो सिग्नल में, रेडियो सिग्नल वाली टेक्नोलॉजी, बट अपन ये अपन ऑडियो सिग्नल में इसको लाए है और वर्ल्ड का फर्स्ट एम्पलीफायर है। इसकी एफिशिएंसी 99% के ऊपर है, 99% के ऊपर है, ये बहुत बड़ा क्लेम है सर। और दूसरी बात, ये अपना 3200 वोट प्लस 3200 वोट 8 ओम पे और 6000 प्लस 6000 वोट 4 ओम पे देता है आउटपुट। मींस इंडिया में इससे पावरफुल अभी कोई एम्पलीफायर नहीं है। मतलब मैं आपको दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि एक आता सबसे एडवांस माना जाता था क्लास आई, क्लास आई के बाद भी उसके बाद 9900 में से 99% एफिशिएंसी बहुत बड़ी बात होती है। पावर अगर इनपुट आप देते हो, डीजी वगैरह जो भी देते हो इनपुट में, आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है, आपका पॉकेट बहुत बचाने वाला है दोस्तों। सही बात। इसमें दोस्तों अब बातें करते पावर आउटपुट की, बेस का प्रेशर की, वो चीज़ हमें क्या मिलेगा जो 9900 में मिलता है और भी मार्केट में बहुत से एम्पलीफायर है, इसमें वो बेस किस टाइप का बेस हमको? मैं आपको बता दूं, क्लास एच होता है, क्लास एच की एफिशिएंसी 55% के आसपास होती है। मींस वो 100% उसको इनपुट दोगे, मींस 5 kW का इनपुट दोगे तो 2.5 kW निकालेगा, तो निकालता है, जब आउटपुट कन्वर्जेशन होता है तब थोड़ा डिस्टोर्शन पैदा होता है, तो डिस्टोर्शन से लोग क्या सालों से वो डिस्टोर्शन वाला साउंड सुनते थे, उसके बाद थोड़ा आउटपुट सर्किट अपग्रेड करके लोगों ने उसके अंदर HD बनाया था, हमने जो AD9000 लॉन्च करा था, तो स्टार्टिंग में लोगों को ड्राई लगता था, बट बाद में मालूम पड़ा जितना वो ड्राई नहीं, वो क्लीन साउंड है, वो बेस क्लीन आएगा। आप उसमें सब हार्मोनिक प्रोसेसर से ऐड कर सकते हो, जो डालना है वो प्रोसेसर आपके पास है, जैसा बेस बनाना है टाइट बनाना है, बट वो साउंड क्लीन होना चाहिए, वो इसकी क्लीनिंगनेस सबसे अलग है। मतलब वो जो प्योर ड्राई बेस होता है, एकदम प्योर बेस, जो आप सिग्नल दोगे वही आउटपुट निकलेगा, कोई फिल्टर नहीं,
मतलब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पुराने यूज़र है, ये एक बहुत बड़ी बात है, 89,000 और 9900 दोनों एम्पलीफायर अगर आपके पास है तो आप दोनों एम्पलीफायर से एक एक बेस कभी चला के देख लेना, तो वो जो ड्राइनेस बेस का फ़र्क, एक्सट्रीम बास का फ़र्क है, उस चीज़ को इम्प्रूव करके, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इसमें डाला गया है, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का ये बेस निकालने वाला है। दादा ये चीज हमें चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, एग्जीबिशन के बाद आप सैंपल डायरेक्ट आपके वहीं भिजवा देते हैं। तो नवनीत भाई ने काफ़ी सारी बताई और काफ़ी सारे डिमांड आती है झारखंड में आपके एचएफ के बारे में, प्रेशर मीट के बारे में। नहीं एचएफ प्रेशर मीट अब डिमांड आ रहा है उधर से, इसके बारे में बताइए, ऑडियो टोन क्या देने वाला है? ऑडियो टोन के पास तीन प्रेशर मीट के अभी मॉडल है अपने पास, एक है 4599 जो जनरल मॉडल है, थोड़ा सा ये सब यूज कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा एक्सक्लूसिव है अपने पास 4599 आता है, बट ये थोड़ा एक्सक्लूसिव है, और ये जो मॉडल है ये एडवांस मॉडल है, ये एडवांस। हाँ इसमें जो कॉइल्स और वो यूज होती है जर्मन ग्रेड की है, जर्मन ग्रेड कॉइल्स, वो क्वालिटी का फर्क, क्वालिटी का फर्क समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। क्वालिटी का फर्क मतलब प्राइस का भी फर्क होने वाला है, क्वालिटी का फर्क, लेकिन आपको मिल जाएगा, ये नियरेस्ट डीलर के पास आपको बहुत जल्दी मिलना लगेगा, आप देख पाओगे। अगर बाद में बड़ी एचएफ बन जाएगी तो सेट भी नहीं हो पाती। ये 60 वाट वाली है, 80 वाट वाली है, नहीं ये 120 वाट वाली, ये 120 वाट वाली है, उसके ऊपर ये है दोस्तों, आपने देखा नहीं है तो आप इसे यहाँ से देख सकते हो। तो दादा कोई बात नहीं सर, थैंक यू, परमिशन दीजिए, आपको भी हम धन्यवाद करते हैं, आपके दर्शकों भी धन्यवाद करते हैं, ये सोशल मीडिया का जो आप काम कर रहे हो आईना है, बिजनेस तो अलग चीज है, बट बिजनेस में जो जो सामने क्लियर दिख जाता है, आप जो वीडियो डालते हो, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कस्टमर भी वो रिव्यू देख के समझ जाता है कि क्या चीज है, ये सही है या गलत है। हम उन्हीं चीजों को लोगों तक पहुंचाते हैं जिसमें सही में दम होता है, जिसमें क्वालिटी होती है। सही बात, क्वालिटी क्यों है ना, वो चीजें छुपा के बातें को डाइवर्ट करना वो हमसे नहीं होता है। तो आपको इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नवनीत जी को कमेंट में धन्यवाद बोलिए, और आपके यूजर को एक दूसरी चीज भी बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई ऑडियो टोन के बारे में कोई दिक्कत है, कंप्लेन है, तो आप सर्विस सेंटर पे भी कोई कंप्लेन कर सकते हो। सर्विस के पार्ट्स के रिगार्डिंग बहुत लोग तकलीफ में आते हैं, पार्ट्स मिलते नहीं है, कोई बोलते हैं, बट क्या होता है कोई दुकानदार ने खरीदा होता है, राज भाई की तो अलग बात है, वो उनका सर्विस में झारखंड में नाम है भाई, बट दूसरे कहीं से भी आपने माल खरीदा हो, कभी भी आपको सर्विस के लिए दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो कोई भी पार्ट्स के लिए। सर थैंक यू। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए देख रहे हो, अगर आप नाम उठिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक लाइक।